वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट होप यू ऑल आर गुड एंड एन्जॉइंग योर स्टडी एट होम विथ योर पेरेंट्स स्टूडेंट एस यू ऑल नो आप लोगों ने चैप्टर नंबर फाइव मैप रीडिंग में सारे टॉपिक को पढ़ लिया है और उसे समझ लिया है तो आज हम लोग इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो so, स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं की टर्म्स से तो आपको ये सारे की टर्म्स अपनी कॉपी में राइट करने हैं कौन कौन से की टर्म्स हैं यहाँ पर कार्टोग्राफ़र जियोग्राफिकल फीचर अर्बन एंड हाईवे तो ये फोर कीटम्स गिवन है आप इन फोर कीटम्स को अपनी कॉपी पर राइट करेंगे होप ये सबको क्लियरली दिख रहा हो आपको ये सारे कीटम्स अपनी कॉपी पर राइट करने हैं अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ तो देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्सरसाइज ए पिक आ टिकन करेक्ट ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाना है तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है हाउ मेनी कॉर्डिनल डायरेक्शन आर देयर तो कितने कॉर्डिनल डायरेक्शन होते हैं फोर देन आप फोर पे टिक करेंगे नेक्स्ट है दीज मैप आर बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर थीम वो मैप जो पर्टिकुलर थीम पर बेस्ड होती है उसे कहते हैं थीमेटिक मैप नेक्स्ट है लाइट ब्लू कलर ऑन अ मैप इंडिकेट तो हो जाएगा सैलो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स आर सोन ऑन अ मैप क्या हो जाएगा ब्लैक कलर अब नेक्स्ट देखिए की टर्म्स है यहाँ पर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स तो फर्स्ट टर्म है आपका कार्टोग्राफर्स सो so स्टूडेंट कार्टोग्राफर की आप डेफिनेशन uh, क्या राइट करेंगे द पीपल यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है द पीपल हु ड्रॉ मैप आर कॉल्ड कार्टोग्राफर दिख रहा है सबको यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है स्टार्ट में ये दा थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा द पीपल हु ड्रॉ मैप आर कॉल्ड कार्टोग्राफर तो कार्टोग्राफर की आप ये डेफिनेशन राइट करेंगे अब नेक्स्ट कीटम देखते हैं हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट कीटम है कार्टोग्राफी तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट कीटम था कार्टोग्राफी आप उसकी डेफिनेशन यहाँ से राइट कर लेंगे कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग इज़ आ स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस क्लियर हुआ तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग इज आ स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट मैप इसका मतलब हुआ कि कार्टोग्राफी क्या होती है एक मैप मेकिंग या फिर कह सकते हैं मैप मेकिंग क्या होती है एक स्टडी होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं अर्थ के सरफेस को आ, हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग्स पर रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की की तरफ स्टूडेंट नेक्स्ट की है फिजिकल मैप तो चलिए इसे भी डिफाइन कर लेते हैं स्टूडेंट फिजिकल मैप की डेफिनेशन आप यहाँ से राइट करेंगे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर फिजिकल मैप को क्या राइट है फिजिकल मैप शो द फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ इट इंडिकेट्स द फीचर्स लाइक माउंटेन प्लेट्यू प्लेन एंड वाटर बॉडीज तो फिजिकल फीचर क्या होता है सॉरी फिजिकल मैप मैप की फिजिकल अर्थ के फिजिकल फीचर को शो करता है और ये माउंटेन प्लेट्यू प्लेन वाटर बॉडीज़ इन सबको शो करने का इसमें इन सब चीज़ों को शो किया जाता है नेक्स्ट कीटम देखते हैं हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट कीटम हो जाएगी आपकी पॉलिटिकल मैप इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पॉलिटिकल मैप फोकस ऑन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड द लोकेशन ऑफ कंट्रीज कैपिटल सिटीज़ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज तो इसका मेन जो फे बेसिक फंक्शन होता है इसका क्या काम होता है मीन्स इस पर क्या शो किया जाता है तो पॉलिटिकल मैप पर बेसिकली जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज होती हैं कंट्री की लोकेशन होती है कैपिटल होती है सिटी होती है स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज होती हैं सबके लोकेशन को शो किया जाता है तो इस तरह से ये आपके टोटल की टर्म्स हो गए हैं स्टूडेंट तो आप इन सारे की टर्म्स को अपनी कॉपी पर राइट करेंगे स्टूडेंट जो आपको टोटल आज वर्क करने हैं सबसे पहले आपको राइट करना है अपनी कॉपी पर इन की टर्म्स को एंड आफ्टर राइटिंग द दीज की टर्म्स आपको क्या करना है टेक द करेक्ट ऑप्शन को अपनी बुक में ही करना है एंड जो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स है आपको इसको अपनी कॉपी में करना है तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे